हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज अपने बॉस का घर आप लोगों को दिखाता हूँ। आया था सफाई करने के लिए, पानी उन्हें डालने फूल पौधों में, तो मैं सोचा इसी बहाने आप लोगों को घर भी दिखा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने का जो आपको लुक दिख रहा है, अंदर का सीढ़ी पे बैठे हैं, ज़बरदस्त दिखता है। और घर के सामने मस्जिद हो तो क्या ही पूछना। और यहाँ अंदर बैठ के जो सीढ़ी पे दिखा रहा हूँ आपको, सामने का व्यू अच्छा लग रहा है, रात में खूबसूरत लगता है। लाइट और सारी जला दो तो थोड़ा अच्छा दिखता है। चलिए, ये सामने जो गेट है और इसी अंदर यहाँ पे मैं सीढ़ी बैठा है, अंदर का है ये सीढ़ी है। यहाँ से अंदर ये एंट्री कपिल लोग करता है, हमारा बाहर का ही एंट्री रहता है। तो यहीं से आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। चलते हैं थोड़ी देर पे बाहर। तो ये सामने का जो है ये फ्रंट है, अंदर से फ्रंट है, और चल के बाहर से आपको बाहर का अंदर के दिखाता हूँ। जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ, निकलते ही सामने एक ये मेन गेट है, इसके जैसे ये बाहर मतलब बाहर जाने वाला मेन गेट है। और ये जो है सामने आपको रोड है, इस रोड के बारे में और ये इस रूम के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, दिखाया भी है। और ये सामने जो मस्जिद है, ये 2018 में ये मस्जिद बन के तैयार हुआ था, और हमारे आने से पहले, क्योंकि मैं इसी में नमाज वमाज पढ़ने जाता हूँ, तो सामने एक बोर्ड बना हुआ है कि जो भी मस्जिद बनाता है उसकी कब बना है, क्या हिस्ट्री थी, वो सारा लिखा रहता है। तो 2018 में ये मस्जिद बना है। और आपको एक चीज़ दिखा दें, इसी के ठीक सामने देखिए एक छोटा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, जैसे लग रहा छोटा सा है लेकिन है ये बहुत बड़ा। ये है टॉर्च होटल, इसका नाम है टॉर्च होटल, अरबी में कुछ और बोलते हैं लेकिन फेमस है जो टॉर्च होटल के ही नाम से, ठीक है। तो मेरे रूम से ये बहुत आसान से दिख जाता है, और मेरे रूम से वहाँ तक जाने में मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर के पड़ता है। और इसी जगह पे है विलाजो मार्केट के पास ही ये होटल रहे, टॉर्च टावर। थोड़ा कैमरा पता नहीं क्यों थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, हो थोड़ा सा धूल उड़ रहा है ना, तो उसे कभी कभी क्लियर नहीं आता है। तो मैंने तो ऐसा तो क्लियर हमेशा दिखता है, अभी जूम करके भी दिखा रहा हूँ तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा धूल उल जब उड़ता है तो ऐसा ही दिक्कत आता है। और ये रहा आपका पानी, मस्जिद के लिए पीने का पानी है, और कहीं मिले ना मिले लेकिन मस्जिद में पानी पीने को मिलता है। हम लोग जितने भी ड्राइवर लोग अगल बगल के सारे लोग इसी जगह से भर के पानी पीते हैं। ये है हमारा कपिल का घर, और ये सामने का फ्रंट है। तो ये बाहर का वाला गेट दिखा दिया जो अंदर से आ रहा था, और इसके बाद एक और अंदर गेट है, तो चलते हैं अंदर तो दिखाता हूँ। ये बाहर का जो भी दिख रहा है, ये इसी चीज़ों को पेड़ पौधे में पानी डालना पड़ता है। और ये जो है आपको, ये मेरा रूम है, बगल में जो लाइट जल रहा है ये, हाँ गैरेज है, इसी के अंदर गाड़ी खड़ा रहता है। वो जो बगल में घर जो दिख रहा है वो भी मेरा कपिल का ही घर है, पर वो रेंट पे दिया हुआ है। चलिए अंदर चल के और आपको दिखाते हैं कि अंदर का कैसा व्यू है। ये जो पौधे हैं, इसी पौधे में पानी डालना रहता है, और सामने कैमरा है, आपको इशारे से दिखा दिया हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है सब कहना दिखाना। और ये है तुलसी का पौधा, यहाँ पर बहुत मिल जाता है, बस तुलसी का पौधा इसमें बीज होता है, छीट दो ऐसे ही फल जाता है। जाड़े में इतने ज़बरदस्त फल लेते हैं लेकिन धूप की वजह से सारे सूख गए ये पौधे, बस एक ही पौधा वो ग्रीन वाला दिख रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, अब चल के आपको अंदर का दिखाता है। ये घुसते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में बड़ा सा एक हमाम दिखेगा, अरबी में हमाम बोलते हैं, इंग्लिश में टॉयलेट है, और वेस्ट मेसन लगा हुआ है हाथ धोने के लिए। और ये है सामने वाला गेट, उसी जगह पर बैठ के मैं वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम, पहले वाला वीडियो नहीं, इसी वीडियो में जो पहला लुक जो दिखाया था तो वो यहीं से बैठ के सीढ़ी पर दिखाया था। ये है घर का अंदर का। और ये है खेमा, ये एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में। ये खेमा जो है, ये मेरे कपिल के लड़के का दोस्त उस आते हैं जो इसमें बैठते हैं, और उसके मेरे कपिल के जो दोस्त आते हैं वो इस साइड में बैठते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये जो है, ये डिज़ाइन बनाया हुआ है बैठने के लिए, ये जब ठंडे का मौसम होता है ना तो इसी जगह पे सोफ़ा सेट लगा के इसी जगह पे बैठते हैं सब, और चाय गावा पानी उनी पीते हैं। तो
क्योंकि ठंडे के टाइम में बाहर धूप में तो कोई बैठता ही नहीं है। तो जब मैं आया तभी ये सारा सिस्टम लगा, और ये गेट भी खूबसूरत है, ये अंदर है, इसके अंदर जाने का अलाउ नहीं है। जहाँ तक हमें अलाउ है वहाँ तक का वीडियो मैं बना दूँगा, कभी अगले बार कभी मिलेगा अंदर का भी तो अंदर का भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल ये यही सब काम अंदर होता है हमारा, हम ड्राइवर लोग का, जितने भी ड्राइवर लोग का है सबकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जिनको काम करना पड़ता है। और जो उंगली से दिखाया वो भी कैमरा है, तो इसलिए दिखा नहीं बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा बार बार कि अलाउ नहीं है सब बता चीज़ें बताना, सीक्रेट होती है सबकी। तो ये है अंदर, इसी पानी पाइप जो दिख रहा है यहीं पे बाहें और साइड में जो होता है प्लास्टर होता है, कभी कभी धूल उड़ता है तो इसी जगह पे पानी से पानी मार के और पाइप से ही पानी मारना होता है। वाइपर है, इसमें झाड़ू है, वाइपर पानी से मार दो पूरा दह जाता है एक ही बार में। और कोई मुश्किल से अगर काम करने बैठे तो 10 मिनट का काम है। बाकी ये फूल पौधे अंदर भी है, अंदर भी फूल पौधे हैं, इसमें भी सबसे ज़रूरी ये एसी की वजह से लगता है, क्योंकि इसमें पानी डालते हैं ना तो जब ठंडा रहता है तो बिल्ली आके इसको पूरे खबाड़ देती है, तो वही सब नीचे नीचे गिर जाता है, तो उसी की वजह से मारना पड़ता है। इसी में ठंडा रहता है वो आगे बैठ जाती हैं पानी, क्योंकि पानी डालो पानी नीचे गिर जाएगा तो ऊपर सूख जाता है, आगे वहीं बैठती हैं आराम से। यहाँ भी कैमरा लगा हुआ सामने आपको दिख रहा है काले सा छोटा सा, यही है हमारे कपिल का घर, क्योंकि इसके अंदर जाने के अलाउ नहीं है तो अंदर का मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो बाहर बाहर का जो भी चीज़ है जहाँ तक अलाउ है हमको आने जाने का वहाँ तक आपको दिखा दिया। ये है खेमा जो कपिल के दोस्तों यानी बड़े लोग आते हैं वो इसी में बैठते हैं, बच्चों लोगों का बगल वाला है ये, इसी में मैं आकर बैठ के वीडियो बनाता हूँ और कभी कभी यहीं बैठ के आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब सारा ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।